वेलकम बैक टू माई चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं 10 बजे उठी थी। लेट इसलिए उठ रही हूँ क्योंकि मैं व्लॉगिंग एडिट करती रहती हूँ। एडिट करने में काफ़ी वक्त लगता है, जैसे आप लोगों को पता है। व्लॉगिंग करना आसान नहीं होता है। लोग बोलते हैं कि हाँ बहुत आसान है, हाँ, मगर जिनके पास बहुत सारी सुविधाएं हैं वो लोग कर लेते हैं, उनके लिए आसान भी है व्लॉगिंग करना। बट जो आम लोग हैं जिनके पास सुविधा ज़्यादा नहीं है, उनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है चीज़ों को सही करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस मैं भी 3:30 बजे तक तो अपलोड हुआ ब्लॉग, और मतलब एडिट करते करते मैंने 1 बजे से एडिट किया था, क्योंकि 12 बजे केक कट करा था मम्मी का। उसके बाद मैंने पास्ता वगैरह खाया था, क्योंकि मैंने बताया था ना मुझे भूख लग गई थी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़े से काम करे थे घर के, जैसे कि बॉटल में पानी भरना और थोड़े बहुत काम और करे थे। तो ऐसे करने में मुझे बच गए थे 1, और 1 बजने के बाद फिर मैं लेटी, और लेटने के बाद मैंने जल्दी जल्दी ब्लॉग ऐड करा। ऐड करने के बाद अपलोड किया, फिर मैंने थंबनेल बनाया, और बस यही सब करते करते 3:30 कब बज गए पता ही नहीं चला। 3:30 बजे मैं सो गई थी मोबाइल रख के। उसके बाद मैं अब उठ रही हूँ 10 बजे, और जब जब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो लेटी उठती हूँ, क्योंकि रात भर एडिट करना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है मुझे, इसलिए तो टाइम हो जाता है। और अब मैं उठी हूँ तो अब मैं आपको रेडी दिख रही हूँ, क्योंकि मैं जा रही हूँ मार्केट। जैसे कि आप लोगों को पता है मम्मी का है बर्थडे, तो मम्मी के लिए कुछ लेके आना है और घर के लिए भी लेकर आना। पता नहीं, मम्मी के लिए तो वैसे मैं गिफ्ट्स बहुत पहले दे चुकी हूँ, बहुत पहले मतलब 2-3 दिन पहले ही दे दी थी मैंने मम्मी को गिफ्ट। और मार्केट जाना है, घर की सब्जियाँ नहीं है तो सब्जियाँ लेकर आना है, और कुछ कुछ चीज़ें लेकर आना है। तो चलते हैं मार्केट, तो मार्केट से लेकर आते हैं, चलिए गाइस। तो दोस्तों तैयार हो चुकी हूँ मार्केट जाने के लिए, बैग लेकर जा रही हूँ, क्योंकि जो भी सामान रहेगा इसमें कैरी करूँगी। तो चलिए फिर चलते हैं मार्केट। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ मार्केट से, और अब करेक्ट बज रहे हैं 12, और मैं करेक्ट 11 बजे गई थी, निकली थी घर से और 12 बजे आ गई। क्यों इतनी जल्दी आ गई? क्योंकि आज मंगलवार था, दुकानें बंद थी, तो मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं पाई। मगर हाँ, सब्ज़ी भाजी ले ली है, मतलब सब्ज़ी में प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, धनिया, ककड़ी, और 2-4 सब्ज़ियाँ, और पनीर, दही, और क्या लाई हूँ, और क्या लाई हूँ, हाँ, मिठाई। तो ये सारी चीज़ें लेकर आ गई हूँ। और ये देखो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि क्या ही बताएं। मौसम वैसे ऐसा भी हो रहा है कि पानी गिरेगा, फिर बहुत तेज़ धूप भी आ रही है, तो दोनों टाइप मौसम चल रहे हैं। और अब देखते हैं क्या करते हैं। तो दोस्तों मम्मी घर पर नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं डेकोरेशन कर लेती हूँ। तो ये है पंप, और ये बलून है जो कि मैं फुला रही हूँ बलून को, और डेकोरेट करते हैं घर। दोस्तों इतनी डेकोरेशन हो गई है, और जो आगे की डेकोरेशन है वो मैं बाद में करूँगी, क्योंकि मुझे और भी काम है। और अभी 1:15 बजे मम्मी आएंगी, 7:30-8 बजे, तो अभी मेरे पास बहुत सारे टाइम है। और बहुत सारे बलून फूट गए हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पे 4 थे बट अब 3 बचे हैं, और एक यहाँ का भी फूट गया, एक यहाँ का भी फूट गया। तो फिर मैंने कहा ठीक है, रहना तो ऐसे ही ठीक है, और चलिए अब मैं दूसरा काम करती हूँ। सो गाइस, ये जो बेड है ये भी बहुत ज़्यादा मैसी हो गया, बहुत ज़्यादा फैला है, बलून पड़ा है, बलून पंप पड़ा है, हैप्पी बर्थडे वो टैग पड़ा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत मैसी हो रही है। तो बेडशीट भी चेंज कर दूंगी आज, क्योंकि इस बेडशीट को लगे 5 दिन हो गए हैं, और आज न्यू बेडशीट बिछाऊंगी। तो चलिए फिर काम कर लेते हैं। तो बेडशीट भी मैंने बिछा दी है, और अब मैं लगाऊंगी झाड़ू पोछा लगाना है, थोड़ा सा ये गंदा दिख रहा है। चलिए फिर ये भी काम कर लेते हैं, फिर खाना बनाते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पनीर की सब्जी, और ये उसी का मसाला भुंज रहा है।
दोस्तों किचन में मैंने खाना बना लिया है और खाने में मैंने बनाया है पनीर की सब्जी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया और आप देख रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने मुंह धोया। सो गाइस मैंने मुंह नहीं धोया है, मुझे आ रहा है ज़्यादा पसीना, गर्मी बहुत है, इतनी गर्मी है कि बिल्कुल खाना बनाने की इच्छा ही नहीं होती है किचन, मतलब गर्मियों में देख सकते हो आप कितना ज़्यादा मतलब पसीना है मुझे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब मैं जाऊँगी मुँह हाथ धोने, क्योंकि ऐसे फेस लेके बैठ तो सकती नहीं, मतलब पसीना वाली हो गई पूरी, तो मुँह हाथ धोऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दोस्तों नल आ गए हैं तो ये देखो पूरा गीला हो गया, मैंने पानी भर दिया है फिर सारा गीला हो गया है और ये देखो नल चल। सो गाइस मैंने नहा लिया है और बहुत अच्छा लग रहा है, नल के पानी से नहा लिया, नहीं तो मुझे जेट के पानी से नहाना पड़ता, मतलब टंकी के पानी से जो कि गर्म आता है पानी, धूप में रखी रहती है तो गर्म पानी आता है। और अभी नल आए थे तो मैंने पूरा पानी भर लिया और अपना कूलर भी भर लिया है और सारे काम हो गए हैं मेरे, बस मुझे नहाना बस था तो मैंने नहा भी लिया है। और पानी गिर रहा है मम्मी के बर्थडे पे, हर बर्थडे पे पानी गिरता ही है, एक मम्मी के बर्थडे पे और मेरे बर्थडे पे, हम दोनों के बर्थडे पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी गिरे ना। सो गाइस आज पानी गिर गया, बहुत ज़्यादा गिरा है, मतलब एक बार ही गिरा है और एक बार में बहुत तेज़ पानी गिरा है, तो अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडक हो गई है और छत भी मेरी गीली है तो शायद आज अच्छा लगे। और हो भी सकता है कि और अब ज़्यादा भपकेगा, मतलब थोड़ा पानी गिर जाता तो भपकने लगता है ना, थोड़ी देर के लिए तो अच्छा लगता है कि हाँ ठंडा ठंडा लग रहा है, पानी गिर गया अभी अभी तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा, बट फिर बाद में भभकने लगता है, बहुत ज़्यादा गरम गरम भभकने लगता है। और अब मैं होंगी रेडी, मुझे जाना है एक जगह तो अभी मैं जाऊँगी रेडी होके। सो गाइज मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी कहीं जाने के लिए, और कहाँ जा रही हूँ तो मैं आपको बता दूँ, मैं एक शॉप जा रही हूँ और क्या लेने जा रही हूँ तो ये मैं आपको आके बताऊँगी, क्योंकि अगर मेरे बजट में होगा तो वो मैं काम करूँगी और अगर मेरे बजट में नहीं होगा तो फिर मैं वो नहीं लूँगी, इसलिए पहले जाती हूँ देखती हूँ और अगर सही होगा तो फिर मैं लेकर आ जाऊँगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, और अगर नहीं लाऊँगी तो भी बता दूँगी कि गाइस मेरे बजट में नहीं था और मैं नहीं लेकर आई। देखो दोस्तों अभी भी नल आ रहे हैं, देखो अभी भी नल आ रहे हैं और काफ़ी टाइम हो चुका है, कम से कम एक डेढ़ घंटा हो रहा है जब से नल आए हैं, बंद नहीं हो रहे, फालतू पानी वेस्ट होता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं सोच रही हूँ कि नल बंद हो जाए, बट नल नहीं बंद हो रहे हैं, एक डेढ़ घंटे से नल चल रहे हैं और ऐसे वेस्ट होता है पानी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बस नहीं लगता है और अब नल बंद हो जाना चाहिए। कभी कभार क्या करते हैं कि लोग 15 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए नल देते हैं और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं भर पाता है, तो कम से कम आधा घंटे तो चलाना चाहिए नल, बट नहीं, कभी 10-15 मिनट चलाएंगे तो कभी एक डेढ़ घंटा चलाएंगे, तो ये ऐसे काम करते हैं। तो दोस्तों जिस काम से मैं मार्केट गई थी, सॉरी दुकान गई थी, घर के नीचे वाली जो दुकान है वहाँ गई थी, वो काम हो गया है कम्प्लीट, मतलब सक्सेस हुआ। मैं गई थी मम्मी के लिए एक छोटा सा कीपैड मोबाइल लेना, मम्मी के पास मोबाइल नहीं था और मैंने बस मोबाइल ले लिया उनके लिए। संगीता का कॉल आ गया था शॉप पे ही, तो फिर मैं उससे बात करने लगी और मैं भूल गई उसका आप लोगों को दिखाने के लिए, और फिर वो रैप भी हो गया, मैं दिखाती हूँ आपको, रुको। तो मम्मी के लिए ले लिया मैंने एक कीपैड मोबाइल और मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि ये रैप हो चुका है, और अभी जब मम्मी आएंगी फिर मम्मी को गिफ्ट देंगे। वैसे तो मम्मी को इस बार मैंने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, इस महीने मैंने मम्मी को बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं, और मैंने लगा लिया अभी अभी नेल पेंट, ये देखो, सो अभी अभी मैंने लगाई है नेल पेंट। और संगीता से बात हो रही थी तो डेढ़ घंटे तो संगीता से मेरी बातें हुई, मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, और उससे जब बातें होती तो डेढ़ घंटे दो घंटे कोई मायने नहीं लगता, मतलब कि नहीं पता, समय का पता ही नहीं चलता कि टाइम कहाँ चला गया, हम लोग बहुत बात करते हैं बहुत ज़्यादा और हम लोग बेस्ट फ्रेंड है, एक एक डेढ़ दो दो घंटे बात इसलिए होती है क्योंकि वो दूर है, मैं भी दूर हूँ, वो कटनी की है, मैं दमोह की हूँ, तो बस हम लोग ऐसे फ़ोन पे बात करते रहते हैं और दोनों एक दूसरे को, मतलब फ़ोन पे बात करते हैं तो याद करते रहते हैं और बात कर लेते तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस बातें हो रही थी तो बातें होते होते टाइम बिल्कुल दिमाग से भूल गई मैं कि मुझे मोबाइल दिखाना है आप लोगों को, तो खैर कोई बात नहीं, अब तो ये मम्मी इसको खोलेंगी तो आप देखते ही रहोगे अब तो व्लॉग में। और अब मैं क्या करूँगी, अब तो मेरे पास कुछ काम नहीं है, और मेरे साथ एक बड़ी गलत चीज़ हो गई है कि मैंने एक बड़ी गलती कर दी
कि मैंने सुबह से जो डेकोरेट करा था ना, मतलब कि बलून वलून लगाए थे, वो सारे ही फूट चुके हैं, अब कुछ भी नहीं बचा। और अब सोच रहे हैं कि रहना तो जैसा है तो रहना, तो भाड़ में जाना तो नहीं करती हूँ डेकोरेट। और भी जो चीज़ें लगानी थी, फिर मैं मन ऐसा हो गया कि सारे बलून हट गए तो अब क्या ही डेकोरेशन कर लेना। और फिर ये लगता कि रहना तो नहीं करना डेकोरेशन, बाहर जाएंगे। वैसे तो मैंने पनीर की सब्ज़ी बनाई थी, मैंने आपको दिखाया था ना पनीर की सब्ज़ी बनाई है। और अभी मम्मी आएगी तो मैं बाहर चली जाऊंगी मम्मी को लेके खाने में, मतलब खाना खाने में नहीं, सॉरी, मतलब रेस्टोरेंट चली जाऊंगी, होटल रेस्टोरेंट चली जाऊंगी, तो फिर वहाँ से कुछ खा के आ जाऊंगी। और जो पनीर की सब्ज़ी है वो ऐसे हल्का फुल्का खाने जाएंगे बाहर। और रही बात केक कट की, तो घर में ही कर लेना है, कौन ऐसी मैं और मम्मी है और आप लोग, और कोई नहीं है, नीचे वाले हैं नहीं, मतलब कि जो मेरी भाभी लोग हैं, नीचे वाली जो भाभी हैं जो बिल्डिंग में रहती हैं, वो गई हैं अपने ससुराल, क्योंकि मैंने बताया था शायद आप लोगों को, और नहीं बताया तो मैं आपको बता दूं, उनकी जो सास है, जो उनकी मम्मी है, सास मतलब सासू माँ है, उनकी तबीयत ख़राब है। और तबीयत ख़राब है मतलब कि पता नहीं, अभी उनको कुछ क्लियर नहीं हुआ है, बट हाँ उनकी तबीयत ख़राब है, तो वो गई हैं गाँव अपने, और साथ में बच्चे भी चले गए हैं, तो अच्छा नहीं लगता है अकेले सेलिब्रेट करने में। बट ठीक है, हम दो हैं तो क्या हुआ, दो जन है तो थोड़ी ना किसी से कम है, और दोनों जन सेलिब्रेट कर लेंगे, और फिर आप लोग तो हैं मेरे साथ तो अच्छा लगेगा। सो गाइस, इतने मेहनत से मैंने बलून फुलाए थे और डेकोरेशन की थी, सिर्फ बलून बलून की, और बैनर फैनर लगाना था और भी चीज़ें लगानी थी, और अब क्या ही लगाऊं बताओ आप सारे ही। तो ये देखो ये निकल गए, सारी ही चीज़ निकल गई हैं, बस एक ही बस ये वाला जो बचा जो ब्यूटीफुल लग रहा है, बाकी देखो यहाँ पे एक है, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे भी तीन है, यहाँ पे दो है, तो बस यही इतनी सी डेकोरेशन बची है, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है पिन लेके फटफट फटफट फटाफट फोड़ दूँ सारे ही। तो दोस्तों मम्मी आ चुकी है और अब मैं दे रही हूँ मम्मी को गिफ्ट। लो मम्मी, तो दोस्तों ये रहा है कुछ मोबाइल मम्मी का, तो दोस्तों ये आ चुका है केक, और अब करेंगे केक कटिंग। केक बहुत ही ब्यूटीफुल है, पर्पल कलर का है और वेनिला फ्लेवर का है, जिसपे लिखा है मम्मी, और अब इस पे लगाएंगे टैग।
चुकी हूँ घर और हम लोग गए थे मंगलम, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और हम लोग गए थे डिनर करने, तो वहाँ पे मैंने डोसा खाया था, नूडल्स खाया था, आइसक्रीम खाई थी और भी चीज़ें खाई पी थी। तो ये सारी चीज़ों का मैं ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि बहुत सारे लोग भी थे और खाने में मन लगा हुआ था, मतलब इंजॉय कर रहे थे, तो इंजॉय कर रहे थे इसलिए मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और अब बज गए हैं रात के कितने बज गए हैं, 11:30। सो गाइस रात के बज चुके हैं 11:30 और अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे कर रही हूँ। एंड आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, भर भर के कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।